नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन ड्रग्स में स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर, आज हमारा अगला दिन है और हम बोकैद पढ़ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसमें जो है आज का जो टॉपिक है हमारा वो मेलिया, मेलिया मतलब सना, फीलिया, फीलिया मतलब प्रेम, और क्रेसी, क्रेसी मतलब शासन। मतलब रूट वर्ड पढ़ रहे हैं हम। रूट वर्ड का मतलब ये है कि अगर वाक्य के अंत में मेनिया मिलेगा तो जान लीजिएगा उसका सेंस जो निकलेगा वो सनक के उसमें निकलेगा। फीलिया मिलेगा तो उसका मतलब प्रेम होगा, और अगर क्रेसी शब्द निकलेगा, क्रेसी वर्ड हमको मिलेगा लास्ट में, तो उसका मतलब सनक। जैसे देख रहे हैं लिखा है पैथोमेनिया, थियोमेनिया, टिम्ब्रोमेनिया, डिनोमेनिया, एगोरामेनिया, आइडियोफिलिया, प्लूटोफिलिया। ठीक इसी तरह देखिए ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनोक्रेसी, उसके बाद थियोक्रेसी, डायार्की। तो ये सब हमको मिल रहा है। देखिए लास्ट का वर्ड देखिए इसमें मेनिया है, तो जिसमें मेनिया लास्ट में रहेगा उसका मतलब सना, जिसमें फीलिया लास्ट में रहेगा उसका मतलब प्रेम, जिसमें क्रेसी लास्ट में रहेगा उसका मतलब शासन। तो चलिए देखिए, जैसे पैथोमेनिया, अब हमको क्या मिला पैथोमेनिया। पैथो का मतलब होता है पेड़ पौधे और मेनिया का मतलब सनक, अर्थात पौधे लगाने की सनक, पौधे लगाने की सनक। फिर थियोमेनिया, थियो मतलब होता है धर्म, ठीक, थियो मतलब धर्म या ईश्वर, तो थियोमेनिया मतलब खुद को ईश्वर मानने की सनक, खुद को ईश्वर मानने की सनक। उसके बाद देखिए टिम्ब्रोमेनिया, टिम्ब्रोमेनिया मतलब होता है टिम्बर मतलब होता है स्टाम्प, और टिम्ब्रोमेनिया मतलब स्टाम्प को एकत्रित करने की सनक। क्या चीज? स्टाम्प को एकत्रित करने की सनक। फिर डायनोमेनिया, तो डायनोमेनिया, डायनोमेनिया का मतलब होता है नाचने की सनक, नाचने की सनक। आगे अगोरामेनिया, अगोरामेनिया का मतलब होता है, अगोरा मतलब खुला स्थान और मेनिया का मतलब होता है सनक, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसको अकेले रहने की सनक हो, अकेले रहने की आदत हो, उसे क्या कहेंगे? अगोरामेनिया, अकेले रहने की सनक। फिर आइडियोफिलिया, आइडियो मतलब होता है देखिए आइडियो वीडियो, आप सुनोगे आइडियो मतलब MP3 यानी कि सॉन्ग सुनने की आदत, तो आइडियोफिलिया, फिलिया मतलब प्रेम, अर्थात जिसको सुनने का प्रेम हो, गाना सुनने का प्रेम हो, संगीत से प्रेम हो, उसे क्या कहेंगे? आइडियो फीलिया, यानी कि संगीत से प्रेम। फिर प्लूटो फीलिया, प्लूटो अगर कहीं भी प्लूटो शब्द मिल जाए तो उसका मतलब धन होता है, और प्लूटो फीलिया मतलब क्या होगा? धन का प्रेम या धन से प्रेम, धन से प्रेम। कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है, तो ये उन लोगों के लिए है प्लूटो फीलिया। उसके बाद ग्राफो, ग्राफ मतलब होता है लिखना और मेनिया मतलब सनक, लिखने की सनक, ग्राफो मेनिया, लिखने की सनक। फिर पायरो मेनिया, देखिए पायरो मतलब होता है आग लगाना, पायरो मतलब आग लगाना, मेनिया मतलब सनक, अर्थात पायरो मेनिया जिसको आग लगाने की सनक, आग लगाने की सनक। फिर मेलोमेनिया, अब देखिए आगे मेलोमेनिया, मेलोमेनिया का मतलब होता है कि ध्वनि की सनक या संगीत की सनक, मेलोमेनिया ध्वनि की सनक। फिर देखिए क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो मतलब होता है चोरी, क्लेप्टो मतलब चोरी, और क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी की सनक, चोरी की सनक। फिर देखिए मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया का मतलब क्या होता है कि नाम और प्रसिद्धि, मेगालो मतलब नाम या प्रसिद्धि की सनक, मेगालोमेनिया नाम व प्रसिद्धि की
प्रसिद्धि की सनद। अब देखिए माइक्रोमीडिया, माइक्रो मतलब बड़ी चीज और माइक्रो दो चीज होता है, एक माइक्रो और एक माइक्रो, माइक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, तो यहां पे माइक्रो दिख रहा है यानी कि बड़ी चीज की सनद, बड़ी चीज की सनद। फिर डिप्सोमीडिया, तो डिप्सो, डिप्सो मतलब होता है शराब, डिप्सो अगर डिप्सो मतलब शराब, तो डिप्सोमीडिया मतलब शराब की सनद, शराब की सनद। फिर देखिए आगे बिब्लियोमीडिया, बिब्लियो अगर कहीं भी बिब्लियो शब्द मिल जाए जिसका मतलब पुस्तकों की सूची से होता है, तो बिब्लियोमीडिया मतलब पुस्तकों की सूची की सनद, पुस्तकों की सूची की सनद। उसके बाद एब्लूटो, एब्लूटोमेनिया, और एब्लूटोमेनिया मतलब होता है नहाना या धोना, एब्लूटो मतलब नहाना या धोना, तो नहाने या धोने की सनद। ये चीज बच्चों में पाई जाती है, देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो है गर्मी के मौसम में जो है दिन भर में कम से कम 5-6 बार नहा लेते हैं, तो ये वो चीज है एब्लूटोमेनिया मतलब नहाने की सनक या धोने की सनक। उसके बाद आप देखिए अगला, अभी तक हमने देखा कि मेनिया जिसने जुड़ा था, मेनिया जुड़ा था तो उसका मतलब होता था सनक, अर्थात आपको जब पेपर में दिया जाएगा तो जब हम देखेंगे मेनिया तो उसमें ऐसी चीज देखेंगे जिसमें सनक से संबंधित हो, मतलब आदत से संबंधित हो, तो वो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे जिसमें क्रेसी मिलेगा, क्रेसी मतलब होता है तंत्र या शासन, तो जैसे ऑटोक्रेसी, तो ऑटोक्रेसी मतलब स्वयं का शासन, ऑटो मतलब स्वयं का, क्रेसी मतलब शासन, स्वयं का शासन मतलब तानाशाही, तानाशाही। फिर देखिए डेमो, डेमो मतलब होता है जनता और क्रेसी मतलब शासन, जनता का शासन मतलब जनता का शासन या फिर लोकतंत्र। उसके बाद मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति का शासन, मोनार्की मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन हो, तो एक व्यक्ति मतलब राजा का शासन अर्थात राजतंत्र, मोनार्की मतलब राजतंत्र। फिर थियोक्रेसी, थियो मतलब अभी मैंने बताया, थियो मतलब धर्म, देखिए यही कहीं बताया होगा हमने, थियो मतलब ये देखिए थियोमेनिया मतलब खुद को ईश्वर मानने के समय, तो थियो मतलब क्या होता है ईश्वर या धर्म, तो थियोक्रेसी मतलब धर्मतंत्र, थियोक्रेसी मतलब धर्मतंत्र। डायार्की, डाई मतलब दो लोग और आर्की मतलब शासन अर्थात दो लोगों का शासन, द्वैध शासन जिसको कहते हैं, द्वैध शासन। फिर देखिए गायनो को कृषि, तो गायने को कृषि मतलब होता है महिलाओं का शासन, महिलाओं का शासन। फिर देखिए ब्यूरो, ब्यूरो, ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है हमारा, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, नौकरों का शासन, ब्यूरो मतलब नौकर और क्रेसी मतलब शासन, तो ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही या नौकरों का शासन, नौकरशाही या नौकरों का शासन। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र, कुलीन। फिर देखिए प्लूटोक्रेसी, फिर प्लूटो मिला और प्लूटो मैंने बताया भी, प्लूटो मतलब धन होता है, देखिए ये है ना प्लूटो तो धन, तो प्लूटो मतलब धन, तो इसीलिए प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र, धनी धनवानों का शासन या धनिक तंत्र। फिर देखिए जीरोन्टोक्रेसी, जीरोन्टो मतलब होता है वृद्ध, वृद्ध व्यक्तियों को जीरोन्टो से व्यक्त किया जाता है, तो जीरोन्टोक्रेसी मतलब कि वृद्ध शासन, वृद्ध व्यक्तियों का शासन। फिर देखिए मेरिटोक्रेसी, मेरिट, अब मेरिट का मतलब क्या, अनुभवी योग्य, और क्रेसी मतलब तंत्र, तो योग्य व्यक्तियों का शासन जो होगा वो होगा मेरिटोक्रेसी, योग्य व्यक्तियों का शासन। फिर देखिए नियोक्रेसी, नियो मतलब नए, नवयुवक, और क्रेसी मतलब शासन, नियोक्रेसी मतलब नवयुवकों का शासन, नवयुवकों का शासन।
फिर देखिए स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटो मतलब होता है सैनिक और क्रेसी मतलब तंत्र अर्थात सैनिक तंत्र, सैनिकों का शासन, सैनिक तंत्र। फिर मोबोक्रेसी, मोब मतलब होता है भीड़ और मोबोक्रेसी मतलब भीड़ तंत्र या भीड़ का शासन, भीड़ तंत्र। तो ये चीज है कि लास्ट में यही देखना है, तो लास्ट मतलब फिलिया मिलेगा तो उसका मतलब ट्रेन, लास्ट में क्रेसी मिलेगा तो उसका मतलब शासन, लास्ट में मेनिया मिलेगा तो उसका मतलब सनक। तो ये हमारा वन वर्ड सीरीज चल रही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और आज हमने 30 वर्ड डिस्कस किया। पहले दिन हमने 15 डिस्कस किया, दूसरे दिन हमने 20 डिस्कस किया, आज हम 30 वर्ड डिस्कस किए। तो ये लगातार सीरीज हमारी चलती रहेगी और इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द स्पीड अनुराग सर डालेंगे तो वहां पे मिलेगा, उसमें जो है इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कुछ लोग और भी हमसे जुड़े, और घंटा दबाना जरूर न भूलें क्योंकि घंटा दबाएंगे तभी जब हम वीडियो डालेंगे तो हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।